दोस्तों आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल रॉयल म्यूजिक ऑफ बेक पाइप पे। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8 यानी कि स्केल नंबर 8। एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर इसे बजा के अपलोड करें और बारीकी से सिखाए कदम वाइज, तो आज मैं कदम वाइज सिखाने वाला हूँ। इस स्केल पे कॉमन क्या है कि लेफ्ट पे आपको यही दो नोट बजाना है, बस ये एक ये दो नोट, और राइट पे लेफ्ट पे थोड़ा स्लो था, राइट पे आपको ऐसे बजाना है। राइट पे सिर्फ नोट चेंज होंगे, ठीक है। चलिए हम बजाते हैं, पहले कदम पे, दूसरा, तीसरे में सिर्फ फिर से वही बजेगा क्योंकि लेफ्ट है, तीसरा, चौथा, चौथे तक बजाएंगे। देखिए चौथे में, पांचवा में, पांचवा फिर लेफ्ट आएगा, फिर वही बजाना है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद छह कदम पे, छह नंबर कदम पे आपको बजाना है, देखिए छह कदम तक बजाएंगे हम। पहला, छह कदम तक हमने बजा लिया। अब सातवां में फिर से वही नोट बजेगा क्योंकि सातवां लेफ्ट है, और आठवां में ऐसे करना है, ठीक है। आठवां तक बजाएंगे हम, देखिए ध्यान से, आठवां हो गया। अब नौवां कदम पे फिर से, नौवां कदम लेफ्ट पे आता है तो आपको क्या बजाना है, फिर से वही। दसवां कदम पे ये बजेंगे, देखिए करना है, ठीक है। ग्यारहवां कदम लेफ्ट, फिर से बारहवां, ये बारह कदम तक बजाएंगे, एक से लेकर बारह तक, देखिए तक हो गया। अब हम 13 और 14 बजाएंगे, 13 पे लेफ्ट है, फिर से 14 लेफ्ट पे, आपको पता हो गया होगा कि कॉमन यही बजेगा, ये दो नोट। 14 पे, 15, 16 ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अलग है ये, 14 हो गया, 14 तक हम बजाएंगे, देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, अब जो 15-16 कदम बजाना है, 15 थोड़ा अलग है, ठीक है दोस्तों। पंद्रह सोलह तक बजा ली हमने, थोड़ी आप 17-18 जो कदम है उस पर थोड़ा अलग रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा। पहले 15-16 और 17-18 एक साथ बजाएंगे, देखिए फिर से, देखिए ऐसे, फिर से 15-16, यहां से दिखाता हूं, देखिए हो गया 17-18 हो गया। अब 19 लेफ्ट, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, लास्ट पे। देखिए आप हम शुरू से लेकर लास्ट तक बजाएंगे, ठीक है। 32 कदम का है ये, 16 16 कदम। चलिए हम बजाते हैं, देखिए ध्यान से। सिर्फ जो 17 और 18 जब कदम बजाते हैं हम, इसमें थोड़ा सा अलग है लेफ्ट पे, बाकी सेम लेफ्ट पे आपको यही बजाना है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक बजाते हैं, चलिए। देखिए फिर से, दोस्तों ये था 8 नंबर स्केल। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको जितना हो सके बारीकी से सिखाऊं, ठीक है। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट लिख सकते हैं, सर आप मुझे समझ में नहीं आया, और क्लियरली आप मुझे बजा के बताएं, ठीक है। मुझे आशा है इस वीडियो में आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। फिर से हम अगले वीडियो के साथ लौटते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।